हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर लिया है अपना व्लॉग। यहाँ पर मैंने सुबह चाय बनाई थी, उसके बर्तन भी साफ़ करके रख दिया है, फिर दलिया का बर्तन भी इकट्ठा करके रख दिया। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में देख सकते हैं दो काम तो डेफिनेटली करने ही होते हैं, चाय और दलिया। उसके बाद साफ़ सफ़ाई भी करनी होती, तो मैंने पूरा साफ़ सफ़ाई भी कर लिया है। और साथ में इनके लिए सब्ज़ी भी बनाना होता है, तो अभी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए सुबह मैंने लौकी की सब्ज़ी इनके लिए बना कर रख दिया है, क्योंकि अभी 1 बजे खाएंगे, सुबह दलिया खा लेते इसलिए 1 बजे सब्ज़ी रोटी खाते, इसीलिए मैंने सब्ज़ी बनाकर तैयार करके। यहाँ पर बन रही है मेरी सब्ज़ी, तो मैंने मसाला तलने के लिए धर दिया है, और यहाँ पर मैंने आलू भी काट के तैयार कर दिए है। यहाँ मेरा कचड़ा फैला हुआ है, उसको भी मेरे को साफ़ करना है। तो दो मेंबर में भी इतना काम हो जाता है, इंसान का कहना है कि दो मेंबर में क्या काम होता है, तो देख लीजिए कितना काम हो गया। हेलो दोस्तों, तो मैं ना के हो गई हूँ तैयार, जहाँ हमारे बंदे साहब इमोशनल है, परेशान है, दर्द से पीड़ित है, क्योंकि यहाँ रात में कल इन्होंने करवट लेकर सो गए, इसीलिए अभी उनके दर्द हो रहा है ऑपरेशन वाली जगह पर, तो बहुत ही दर्द से पीड़ित हैं, गंभीर बैठे हुए हैं देख सकते हैं कितने गंभीर ही अवस्था में बैठे हुए हैं। और साथ में मेरा एक नुकसान भी हो गया। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। और साथ में मेरा एक नुकसान भी हो गया है, ये जो कि आपको सही दिख रही होगी, स्टिक मैंने बहुत ही महंगी और बहुत ही पैसे के साथ उम्मीद के साथ मंगाई थी, तो मेरे से खुद ही नुकसान हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या नुकसान हुआ है, देख रहे हैं बिल्कुल एकदम सही से दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है एकदम सही है, टूटी उठी नहीं है। तो ये टूट चुका है मेरा कुर्ता, इसका बहुत ही मेहनत के साथ, इससे मैं अपनी वीडियो शूट करती थी, ब्लॉग शूट करती थी, रेसिपी ब्लॉग में इसी से शूट करती थी, और साथ में शॉर्ट वगैरह यानी सभी वीडियो में इसी से शूट करती थी। और कल मेरे से खुद से ही टूट गई, थोड़ा सा ही हिल रही थी और टिक नहीं रही थी, तो मैंने थोड़ा जोर लगा के इसको ऐसे रख दिया, तो वो बस अलग हो गई है। अब मेरा हो गया बहुत नुकसान, बहुत ही मेहनत के साथ बहुत मरल। देखो अभी बिना स्टिक हमारा फ़ोन कुछ इस तरीके से गिरता रहता है, इसीलिए ये मंगाई थी, पर इसने भी मेरा साथ तोड़ दिया, पता नहीं भगवान मेरा क्या चाहता है, समझ में नहीं आता कि मैं जो भी कुछ भी काम करती हूँ उसमें मेरे को रोक देता है। उसका मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जो भी काम करती हूँ उसकी मर्जी नहीं, मैं ज़बरदस्ती सभी काम को करती रहती हूँ, इसीलिए अब इसका नुकसान हुआ। मैं सोच रही हूँ इसको शायद फेवी क्विक से चिपक जाए तो चिपक जाए, सिर्फ ऐसे ही खड़ी रहे इसको बंद चालू नहीं करूँगी, बस एक बार सही से हो जाए। बहुत ही मेहनत, बहुत ही पैसे के साथ मैंने खरीदा था इसको, कुछ 450 रुपये का मैंने खरीदा था, मेरे लिए तो 450 रुपये भी बहुत कीमती थे उस टाइम लगाया, और सारा ठीक है एकदम सब कुछ, पर इसने टांग तोड़ दिया इसकी, मेरा बहुत मूड खराब हो रहा है कल से, और मेरी वीडियो भी नहीं बन पा रही है इधर। तो मैंने अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर कर लिया है भाई, और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, इसलिए मेरी शॉर्ट वीडियो भी नहीं बन पा रही थी, थोड़ा बहुत बना भी लेती घर में बैठ कर, तो अभी तो जगह ही नहीं है मेरी, यहाँ पर वीडियो बनती भी हो बाइक रखी है, इसीलिए मेरी बन ही नहीं पा रही है, क्योंकि इतनी मेरे पास जगह है, यूँ तो बाहर जगह है, पर बाहर एक तो बरसात होती है, कहीं धूप होती है, इसीलिए बन ही नहीं पाती है। उसके लिए भी बाहर भी किसी की सपोर्ट चाहिए इसको मोबाइल को पकड़ने के लिए, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं तो मोबाइल को पकड़ नहीं पाते, देखो कितना बुरा मुंह बना रहे हैं दर्द से इनके स्पेशली दर्द, भाई दर्द किसी को ना दे। दर्द में रहने की आदत नहीं है क्या? दर्द में रहने की आदत
दर्द में रहने की आदत हो चुकी है, पता नहीं ऊपर से एकदम से सही से नजर आते हैं कि सही से हो रहे हैं, पर अंदर दर्द क्यों हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं इनसे कह रही थी कि जाकर डॉक्टर पर दिखा ले, अभी कह रहे हैं और एक दो दिन देखता हूँ बंद होता है या नहीं, नहीं बंद होगा तब दिखाएंगे। पता नहीं करवट देने से क्यों दर्द होने लगा, मेरे को यही नहीं समझ आया, क्योंकि करवट तो देने पड़ेगी, इंसान सीधे कब तक सो सकता है। छब्बीस को हुआ ऑपरेशन, काउंट कर रहा है कितने दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गया, फिर भी करवट देने के बाद भी दर्द हो रहा है। 16 दिन पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है ये डॉक्टर खुद अपना पैसा बनाने के लिए परेशान करते हैं, मरीज को सही नहीं करना चाहते, क्योंकि 5-5 दिन वाली दवाई दे देते हैं, फिर 5 दिन बाद फीस लेते हैं, 400-400 रुपये फीस देते देते इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, गरीब इंसान की तो बड़ी आफत हो जाती है। 5 दिन बाद 400 रुपये बिना किसी वाके, फिर ऊपर से दवाई गोली, कितना मेहनत लगता है भाई, डॉक्टर समझते नहीं है किसी की हालत को। चलो देखते हैं कब तक इनका दर्द और ऑपरेशन से राहत होती है, क्योंकि तभी जब तक इंसान सही से आराम नहीं कर सकता, लेट नहीं सकता, उठ नहीं सकता, घूम नहीं सकता, तब तक तो मतलब तबीयत एकदम ख़राब सी मानी जाए। एकदम सही इंसान हो जाता है तब मानते हैं कि डॉक्टर ने जो भी इलाज किया एकदम सही से किया है। ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं।